नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और गुरुवार का दिन है। आज दोपहर 12:34 तक शिव योग रहेगा, उसके बाद सिद्ध योग लग जाएगा। साथ ही आज सुबह 10:43 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। आज कालाष्टमी और श्री शीतलाष्टमी का व्रत भी किया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज यह योग देर रात 1:34 से कल सुबह सूर्योदय तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 14 अप्रैल की सुबह 9:14 से शुरू होकर अगली सुबह 7:36 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:13 से शाम 7:15 तक, और एक बार फिर रात 9:35 से रात 11:54 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 अप्रैल की सुबह 6:20 से सुबह 7:40 तक, और एक बार फिर सुबह 9:35 से दोपहर 2:10 तक भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:43 से दोपहर 2:12 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:43 से दोपहर 2:12 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:07 से शाम 7:15 तक, और एक बार फिर रात 9:35 से रात 11:54 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:43 से शाम 6:45 तक, और एक बार फिर रात 9:05 से देर रात 1:25 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 14 अप्रैल की रात 11:14 से देर रात 3:06 तक, और एक बार फिर भोर 4:33 से अगली सुबह 5:56 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय 16 अप्रैल की दोपहर पहले 11:28 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, धनु, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:57 से दोपहर बाद 3:33 तक। मुंबई दोपहर 2:13 से दोपहर बाद 3:47 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2 से दोपहर बाद 3:36 तक। लखनऊ दोपहर 1:42 से दोपहर बाद 3:18 तक। भोपाल दोपहर 1:55 से दोपहर बाद 3:30 तक। कोलकाता दोपहर 1:12 से दोपहर 2:46 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:14 से दोपहर बाद 3:49 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:42 से दोपहर बाद 3:15 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज आप अपने काम को करने के नए तरीकों पर विचार करेंगे। आज आप भावुकता की बजाय
चतुराई और विवेक से काम लेंगे तो समस्या को बेहतर तरीके से सुलझाने में सफल होंगे। आज आपकी कंपनी का किसी मल्टीनेशनल कंपनी से डील फाइनल हो सकती है, जिससे आप घर में छोटी सी पार्टी रखेंगे। कंपनी की डील किसी मल्टीनेशनल कंपनी से, आपकी तरक्की को देखकर पड़ोसियों के बीच आपका मान सम्मान पहले की अपेक्षा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज किसी इम्पोर्टेंट काम में आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेंगे तो काम आसानी से होगा। आपके बिजनेस की स्थिति हमेशा से बेहतर होगी, तो हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां आएँ लेकिन काम सब सुचारू रूप से चलता रहेगा। आज परिवार वालों के साथ घर की साफ सफाई में हाथ बटाएंगे, साथ ही कुछ जरूरी सामान खरीदते बाजार जा सकते हैं। आज अचानक आपके घर कोई नज़दीकी रिश्तेदार आएगा, जिसके आने से शाम को घर में स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे। इस राशि के अविवाहितों के लिए आज का दिन बेहतरीन है। आज उनके लिए आपके लिए शादी का प्रस्ताव आ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास रहने वाला है। आज ऑफिस के किसी काम में कलीग्स की सहायता मिलेगी, इससे काम आसानी से और समय से पूरा होगा। आपकी टेंशन कम होगी, इसके साथ ही घर में सुख शांति और खुशी का माहौल बना रहेगा। लवमेट्स आज लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। परिवार को समय देने से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। ऑफिस के काम को आज आप जल्द पूरा कर लेंगे। मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। किसी मामले को शांति से सुलझाने की कोशिश करें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपकी मेहनत के अनुसार फल मिलेगा। आज आप सोचे हुए काम को पूरा करने में सफल होंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन करियर के लिए अच्छा है। आपका रुझान रचनात्मक कार्यों की तरफ ज़्यादा रहेगा। नया वाहन खरीदने के लिए आज का दिन शुभ है। साथ ही घर की साज सजावट के लिए घरेलू उपकरणों से जुड़ी खरीदारी करने के लिए भी आज का दिन शुभ है। साथ ही किसी काम के लिए यात्रा पर जाने के लिए भी आज का दिन फेवरेबल है। आज सोच समझकर दूसरों की मदद करें। आज आपका स्वास्थ्य पहले से काफ़ी अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज परिवार के लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। लंबे समय से चली आ रही चिंता से आज आपको छुटकारा मिल जाएगा। किसी तरह के संपत्ति विवाद को सुलझाने के लिए घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह लीजिए। आप दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे, काम में आपका मन लगा रहेगा। इस राशि के जो लोग स्टील के बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए आज ज़्यादा लाभ के योग हैं। आपकी बातों से किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचे, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। इस राशि के जो लोग कपड़े का व्यापार करते हैं आज का दिन उनके लिए अच्छा है। आज आपके व्यापार में दोगुना धन लाभ होने के आसार नजर आ रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज आपको फ़ोन से कोई ख़ास सूचना मिलेगी। घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन व्यस्तता से भरा रहने वाला है। आप पढ़ाई करने के नए तरीकों पर विचार करेंगे। आप अपने कार्यस्थल पर कड़ी से कड़ी मेहनत करें, आपकी सफलता के योग बन रहे हैं। आज कार्यक्षेत्र में आई चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। इस राशि के जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो अपने बजट के अनुसार ही पैसा इन्वेस्ट करें और एक्सपर्ट से सलाह अवश्य ले लें। सफलता पाने के बाद भी विनम्र रहना एक ऐसा गुण है जो आपको लोगों का प्रिय बनाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज ऑफिशियल मामलों में बाहरी लोगों की सलाह पर अमल न करें, खुद विचार करें। दांपत्य जीवन में खुशियों की बहार रहेगी। आज अच्छे व्यवहार के कारण आपका सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। आप अपने काम और निर्णय को अपने परिवार वालों के साथ बैठकर साझा करेंगे। आज आप नए लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि बाहरी दुनिया में कितने नए अवसर हैं। इस राशि की जो महिलाएं बिजनेस से जुड़ी हैं उनके लिए आज ज़्यादा लाभ के योग बन रहे हैं।
आप शाम के समय किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी को ज्वाइन करेंगे, जहां आपको नए लोगों से मिलकर अच्छा लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज आप किसी काम से अचानक लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, जहां आपको अच्छा लाभ होगा। आप करियर में जल्द ही सफल हों, इसलिए आपको अपनी मेहनत जारी रखने की आवश्यकता है। आपका मन धार्मिक कार्यों की तरफ लगा रहेगा। आप पेरेंट्स के साथ किसी मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। इस राशि के जो लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए ज़्यादा लाभ के योग बन रहे हैं। आपके आसपास के लोग आपको आकर्षक व प्रतिभावान मानेंगे। तारीफ एक ऐसा प्रेरक है जो आपके दुश्मनों को प्रभावित करेगा। आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। बिजनेस में लाभ आपको आर्थिक व भौतिकवादी सुरक्षा प्रदान करेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज आप घर की व्यवस्था में सुधार संबंधी काम करेंगे। काम में व्यस्तता बनी रहेगी। इस राशि की जो महिलाएं किसी बिजनेस से जुड़ी हैं, उनको अच्छा धन लाभ होगा। आज आलस्य से आपका कोई महत्वपूर्ण काम रुक भी सकता है। आज खर्च उम्मीद से ज़्यादा हो सकता है। बेवजह के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। घर में नन्हे मेहमान के आने से खुशी का माहौल बनेगा। लोग आपको बधाई देने आएंगे। साथ ही आज आप पार्टी का आयोजन भी करेंगे। लव मेट्स एक दूसरे के ऊपर विश्वास बनाए रखें, रिश्ते में मजबूती बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। आज बिजनेस में किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से आपको काम में आसानी होगी। ऑफिस में काम करने की प्रणाली से आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है। पारिवारिक वातावरण में सकारात्मकता बनी रहेगी। आज आप मार्केट से कुछ नए प्रोडक्ट खरीदेंगे। खर्च के साथ साथ बचत पर भी फोकस करें। इस राशि के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। समय का पूरा सदुपयोग करें। आप अपने कारोबार के साथ साथ अपनी निजी लाइफ में बैलेंस बनाए रखें। आपका जीवन सुखमय रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आपकी आर्थिक स्थितियों में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा, इससे आप रिलैक्स फील करेंगे। आज आपके घर कोई मेहमान आएगा, जिससे आपको दिन भर के शेड्यूल में चेंजेस करने पड़ सकते हैं। माताएं अपने बच्चों को कुछ नया सिखाएंगी, जिससे बच्चों में विचार आएंगे, सद्विचार आएंगे। आपकी भौतिक सुख सुविधाएं बनी रहेंगी। इस राशि की जो महिलाएं बिजनेस करती हैं, उनके लिए लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। अपने बिजी शेड्यूल में थोड़ा टाइम निकालकर ईश्वर की भक्ति में लगाएं, जिससे मन शांत रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज आप किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं, जहां आप खूब एंजॉय करेंगे। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। पदोन्नति के अवसर मिलने के आसार बन रहे हैं। आज आपके मन में अधिक पैसे कमाने के नए विचार आएंगे। मुश्किल परिस्थिति में आज किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे दोस्ती में और भी मजबूती आएगी। आज आप किसी पर तुरंत भरोसा न करें, वरना कोई आपके सीधेपन का फायदा उठा सकता है। आज का दिन समझ बूझ कर कदम उठाने का दिन है, इसलिए तब तक अपने विचार व्यक्त न करें जब तक आवश्यकता न हो। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज तुलसी के पत्ते का सेवन करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को चंदन से तिलक करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप किसी नए विषय पर घर वालों से चर्चा करेंगे। आपके विचारों से लोग सहमत होंगे। मूलांक 2, राजनीति के क्षेत्र में आपकी मजबूत छवि बनेगी। ज़्यादा लोगों से आप जुड़ेंगे। मूलांक 3, दूसरों के सामने खुलकर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मूलांक 4, आज के दिन आप कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। मूलांक 5, आपकी बातों से
किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसका आप खास ख्याल रखेंगे। मूलांक 6, वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों का काम अच्छा चलेगा, धन लाभ होगा। मूलांक 7, संतान की चिंता कम होगी, अच्छी जॉब लगने से घर में उत्सव का माहौल बना रहेगा। मूलांक 8, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, परिवार में अनुष्ठान होने का योग बन रहा है। मूलांक 9, अपने काम को किसी नए तरीके से करने की योजना आज आप सोच सकते हैं। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने आपको भोजन के दौरान कुछ खास बातें ध्यान में रखने के बारे में बताया था, और आज हम उसी कड़ी में आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताएंगे। भोजन करते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि जितना आपको खाना है उतना ही भोजन है। घर में खासकर कि बच्चों की आदत होती है कि थाली में ज़्यादा भोजन ले लेते हैं और खाते बहुत कम हैं, जिससे खाना वेस्ट हो जाता है। शास्त्रों में इसे बिल्कुल भी ठीक नहीं माना गया है। इससे घर के आर्थिक विकास में परेशानी आने लगती है। अतः बच्चों को और बाकी सब लोगों को ये बात जरूर समझाएं कि थाली में उतना ही भोजन लें जितना वे सुविधापूर्वक खा सकें। इससे घर में सब कुछ सुगम गति से चलता रहता है। जूठा भोजन छोड़ने के साथ ही, देखो जूठा भोजन छोड़ना उतना बड़ा क्राइम नहीं है। खाना अगर बच गया तो कुत्ते को जाएगा, ये इतना बड़ा क्राइम नहीं है। लेकिन रात में जूठे बर्तन घर में छोड़ना इट्स ए ट्रू क्राइम। ये तो आप घर के अंदर बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक ही नहीं, अगर हाइजीन की दृष्टि से देखें तो उस पर बैक्टीरिया डेवलप होता है, फंगस डेवलप होता है, बहुत सी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो कुछ लोग भोजन करने के बाद थाली को टेबल और पलंग के नीचे या कहीं कहीं भी रख देते हैं, तो बता दूं कि ये स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। घर में जहां भी बर्तन धुलते हों वहां रखना चाहिए, और इसके अलावा ध्यान रहे कि भोजन करने के बाद कभी भी उसे उस थाली में हाथ नहीं धोएं। कभी थाली में हाथ धोना अवॉइड करें, ऐसा करना परेशानियों को बुलावा देने वाली बात बताई गई है। और अब आज के दिन की विशेष बात। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और गुरुवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज देर रात 1:34 तक रहेगी। आज दोपहर 12:34 तक शिव योग रहेगा, उसके बाद सिद्ध योग लग जाएगा। शिव योग के दौरान किए गए सभी कार्यों में विशेषकर के मंत्र प्रयोग में सफलता मिलती है। वहीं अगर सिद्ध योग की बात करें तो सिद्ध योग के दौरान कोई भी कार्य शुरू करने से उस पर सफलता जरूर मिलती है, चाहे फिर वो बिजनेस से रिलेटेड काम हो या पढ़ाई से रिलेटेड। साथ ही आज सुबह 10:43 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। फिलहाल हम बात करेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तराषाढ़ा 21वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं। इस नक्षत्र का पहला चरण धनु राशि में और बाकी 3 चरण मकर राशि में होते हैं, इसलिए इस नक्षत्र का प्रभाव धनु और मकर राशि के जातकों पर ज़्यादा रहता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक अपने लक्ष्य की प्राप्ति और अपने प्रयासों को सफल बनाने में सक्षम होते हैं। साथ ही ये परंपराओं का सम्मान करने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें परंपराओं को तोड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को उच्च प्रशासनिक सेवाओं में सफलता मिलती है। साथ ही इस नक्षत्र के दौरान शिल्प कला से जुड़े कार्य, विद्यारंभ, कृषि से संबंधित कार्य, वास्तु शांति, भवन निर्माण आदि कार्य करना शुभ माना जाता है। हाथी के दांत को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, जबकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संबंध कटहल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातकों को इस नक्षत्र के दौरान कटहल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और इससे बनी चीज़ों को उपयोग में भी नहीं लाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले शिव योग, सिद्ध योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे आज पढ़ने वाली शीतलाष्टमी और कालाष्टमी व्रत के बारे में। बता दूं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी का व्रत करने का विधान है, लिहाजा आज कालाष्टमी है। कालाष्टमी के दिन भगवान शंकर के 3 भैरव स्वरूप यानी काल भैरव, भटुक भैरव और स्वर्णाकर्षण भैरव में काल भैरव की उपासना की जाती है। कहते हैं आज के दिन भगवान शंकर के काल भैरव स्वरूप की उपासना करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर होंगी और आपकी मनचाही मुरादें पूरी होती हैं।
साथ ही उसे लंबी आयु का वरदान भी मिलता है। इसके अलावा आज के दिन काल भैरव के साथ साथ श्री शीतला माता के निमित्त पूजा अर्चना व व्रत करने का भी विधान है। आज के दिन बासी भोजन करना चाहिए। आज के दिन माँ शीतला की पूजा करने वाले व्यक्ति की निरंतर गति से लगातार उन्नति होती है और उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। स्कंद पुराण में माता शीतला की अर्चना का स्तोत्र शीतलाष्टक के नाम के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शंकर ने की थी। शास्त्रों में भगवती शीतला की वंदना के लिए इस प्रकार भी कहा गया है, वंदे हम शीतलाम देवीम रासभस्थाम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम सूर्पालंकृत मस्तकाम, अर्थात गर्दभ पर विराजमान दिगंबरा हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। शीतला अष्टमी को अलग अलग स्थानों पर बासौड़ा, बूढ़ा बासौड़ा या बसयौरा के नाम से भी जाना जाता है। शीतला अष्टमी का पर्व हमें पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने की प्रेरणा देता है। इस दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दिन बासी या ठंडा भोजन खाने की परंपरा है, साथ ही ठंडे पानी से भी नहाने का रिवाज है। देखो, शीतला देवी हाइजीन की देवी हैं। जिस हाइजीन के लिए अभी कोरोना के दौरान सड़कें तक सैनिटाइज की जा रही थी, धोई जा रही थी, हमारे यहाँ क्या शीतला देवी रास्ते के पत्थर को शीतला देवी मानकर उसे धो पहुंचकर उसकी पूजा की जाती है। हाइजीन यानी सड़क तक को धो। दिस वॉज द लेवल ऑफ हाइजीन इन सनातन धर्म एंड स्टिल इट प्रिवेल्स, कहीं चला नहीं गया है। आप जान लें और करना शुरू कर दें तो आनंद आ जाएगा। रास्ते के पड़े हुए पत्थर को शीतला देवी मानकर उसे धो पोछकर उसकी पूजा की जाती है। यानी अगर एक एक कंकड़, मतलब एक एक पत्थर अगर एक एक परिवार ने पूज दिया तो कितनी सड़क साफ हो जाए, कितनी सड़क धुल जाएगी, एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा सारा रास्ता। तो ये महत्वपूर्ण है और शीतला देवी बिल्कुल हाइजीन की देवी, और इनको अगर हम इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं। और बासी खाने की परंपरा क्यों है, क्योंकि कुछ सूर्य और चंद्रमा की कुछ स्थितियों में अन्न बना कर रख देने से उसमें प्रोबायोटिक डेवलप होता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर गट, गट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है वो प्रोबायोटिक, जो सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के एक सर्टेन सिचुएशन में ही डेवलप करता है। तो रात में अगर बना के रख दिया है और नेक्स्ट डे खा रहे हैं तो यू आर गेनिंग ए सर्टेन काइंड ऑफ प्रोबायोटिक। ये जो लैक्टिक बैसिलस हो ये सब आप खाते हैं, जो एंटीबायोटिक के साथ प्रोबायोटिक दी जाती है, जो दही इज प्रोबायोटिक, तो वैसे ही वो प्रोबायोटिक उसमें डेवलप होता है। इसलिए शीतलाष्टमी के दिन बासी भोजन करने की परंपरा है। तो ये थी चर्चा आज कालाष्टमी और श्री शीतलाष्टमी की, और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले खास उपायों की। अगर आप अपनी नौकरी को लेकर कुछ परेशान हैं तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद शीतला चालीसा का पाठ करना चाहिए, और पाठ करने के बाद देवी माँ को पुष्प अर्पित करने चाहिए। आज शीतला चालीसा का केवल एक बार पाठ करने से भी आपको नौकरी में जो भी परेशानी आ रही है उससे जल्द ही छुटकारा मिलेगा। और अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं और लंबी आयु का वरदान पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको माता शीतला के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मृणाल तंतु सदृशीम नाभि हृन मध्य संस्थिताम यस्त्वाम संचिंत्य ये देवी तस्य मृत्युर् न जायते। अब देखो क्या है, मृणाल तंतु सदृशीम नाभि हृन मध्य संस्थिताम, ये किसी नाड़ी की बात हो रही है। मृणाल तंतु बहुत महीन, नाभि और हृदय के मध्य में स्थित, यस्त्वाम जिस प्रकार तो त्वाम यानी तुम्हें संचिंतये देवी, जो व्यक्ति हे देवी तुम्हारा चिंतन करता है, तस्य मृत्युर न जायते। मृत्यु क्या है, जहाँ जीवन समाप्त हो जाए वहाँ मृत्यु है। तो जो तुम्हारी चिंता करता है उसका जीवन बना रहता है। सिंपल बात यह है, मृत्यु कब होगी, जब जीवन समाप्त होगा। यस त्वाम संचिंतये देवी, हे देवी जो तुम्हारा चिंतन करता है
तस्य जीवन न समाप्यते, उसका जीवन समाप्त नहीं होता। अब उसको संक्षेप में कह दिया, तस्य मृत्यु न जायते, उसको मृत्यु नहीं आती। अब मृत्यु ऐसा इतना भयानक शब्द सुन के आदमी घबरा जाता है, और आदमी ये भी सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मरना तो सबको एक दिन है। हाँ भाई, मरना है, मीनिंग देयर बाय आपका जीवन दीर्घ हो जाता है, लंबा हो जाता है, आपको जीवन की प्राप्ति होती है। तो ये जो हृदय और नाभि और हृदय के मध्य में मृणाल तंतु जैसी ये जो शीतला देवी है, उसका चिंतन कर। शीतला मीन्स हाइजीन की देवी। जो हाइजीन, जितना हम हाइजीन मेंटेन करेंगे, उतना ही हमारे यहाँ जो आहार नाल हमारी है, इसके अंदर हमारे गट के अंदर उतना ही उत्तम सब कुछ होगा। और गट इज सपोज टू बी सेकेंड ब्रेन, ये दूसरा ब्रेन ही होता है गट। और कहते ना गट फीलिंग अच्छी हो जाएगी, तो लाइफ की जब गट फीलिंग अच्छी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली लाइफ बेहतर हो जाएगी। आगे चलते हैं। अगर आप अपने परिवार की खुशहाली को बनाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आज के दिन आपको शीतलाष्टक स्तोत्र में दिए देवी के इस मंत्र का जप करना चाहिए। शीतले तुम जगत माता, स्तुति का जप करना चाहिए। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतला यही नमो नमः। आज देवी माँ की इस स्तुति का जप करने से आपके परिवार की खुशहाली बनी रहेगी और आपके चेहरे की प्रसन्नता भी बनी रहेगी। अगर आप अपनी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की देखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको शीतला माता के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और उनकी आरती का एक बार पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी। अगर आप अपने घर परिवार की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज स्नान आदि के बाद शीतला माँ का ध्यान करते हुए घर पर ही एक आसन पर बिछा कर बैठिए और मंत्र महोदय में दिए देवी माँ के इन 9 अक्षरों के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र महोदय में ये मंत्र दिया हुआ है, ओम ह्रीं श्रीं शीतलायै नमः। ओम ह्रीं श्रीं शीतलायै नमः। ओम ह्रीं श्रीं शीतलायै नमः। आज आपको इस मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार जाप जरूर कर लेना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस को अनजाने खतरों से बचाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद नीम के पेड़ के पास जाना चाहिए और उस पेड़ में देवी माँ के स्वरूप का ध्यान करते हुए पहले नीम के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद रोली चावल आदि से पेड़ की पूजा करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा आज के दिन शीतलाष्टमी की, शिव योग की, सिद्ध योग की, उत्तराषाढ़ नक्षत्र की और कालाष्टमी की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा से फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें किसी की मदद से नौकरी पाने का मौका मिलेगा। बी, किसी काम में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा जिससे आपका काम पूरा होगा। सी, आज आप जो भी काम करें उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। डी, आपकी सेहत में उतार चढ़ाव होगा लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहेंगे तो सब अच्छा रहेगा। ई, पारिवारिक मामलों में आज आप कोई बड़ा फैसला लेंगे, बेहतर रहेगा कि परिवार वालों की भी सलाह लें। एफ, आज खुश और हंसमुख बने रहेंगे, धन लाभ होने के सुनहरे अवसर भी प्राप्त होंगे। जी, करियर से रिलेटेड आज का दिन अच्छा रहेगा, वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। एच, पारिवारिक जीवन खुशहाल बना रहेगा, महत्वपूर्ण लोगों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आई, अगर आप किसी चीज़ में रुपए निवेश कर रहे हैं तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। जे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपसे दूर होंगी जिससे आप रिलैक्स महसूस करेंगे। के, आज व्यापार में कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगेगा जिससे आगे चलकर अच्छा धन लाभ होगा। एल, निजी कार्यों में बहुत सोच समझकर ही कोई भी निर्णय लीजिए, दूसरों पर अत्यधिक भरोसा करने से बचें। एम, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, साथ ही व्यापार को आगे बढ़ाने के नए मौके भी मिलेंगे। एन,
किसी के प्रति आप उल्टा सीधा बोलने से बचें, नहीं तो आपके रिश्तों में अनबन हो सकती है। ओ, वित्तीय मामलों में समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन उन समस्याओं का सामना आसानी से कर लेंगे। पी, करीबी रिश्तेदारों के साथ और करीबियां बढ़ेंगी, आज आप उनके घर पर घूमने भी जाएंगे। क्यू, आपका स्वास्थ्य पहले से अच्छा रहेगा, साथ ही किसी काम में आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आर, आपको आज किसी काम की कोई जिम्मेदारी मिलेगी, उसको आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। एस, पारिवारिक लोग आनंदमय बनेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। टी, किसी काम में आपका कोई शत्रु रोक लगाएगा, लेकिन किसी की मदद से आपका वो काम पूरा हो जाएगा। यू, तीव्र प्रगति के बावजूद भी अपने कामों में सावधानी रखें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वी, आपकी शादी की बात पक्की होगी, जिससे दोनों पक्ष एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। डब्ल्यू, परिवार के खर्चों में वृद्धि होगी, जिससे आप थोड़ी और इनकम करने का प्लान बनाएंगे। एक्स, अगर आप बिजनेस में कोई नया सौदा कर रहे हैं तो आज कर सकते हैं। वाई, आर्थिक उन्नति के प्रयास सफल होंगे, कोई जरूरी कार्य भी पूरा होगा। जेड, आपने किसी को रुपए उधार दिए हैं तो वो रुपए आज आपको वापस मिलेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं उद्यान गणेश मंदिर के दर्शन। ये मंदिर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। मुंबई के शिवाजी पार्क इलाके में स्थित उद्यान में स्थित होने के कारण इसका नाम उद्यान गणेश पड़ा। मंदिर की वास्तुकला देखते ही बनती है। पार्क में स्थापित होने के कारण यहाँ का वातावरण अत्यंत मनमोहक है। भक्तों का मानना है यहाँ भगवान गणेश के दर्शन से खुशहाली और समृद्धि आती है, तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे हाथ की सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठिका उंगली की। अंग्रेजी में इसे फिंगर ऑफ मरकरी या लिटिल फिंगर भी कहते हैं। क्या आपको पता है कि छोटी सी उंगली के पीछे कितने राज छिपे हैं? नाम है छोटी उंगली, लेकिन काम बड़े कमाल के हैं। अगर इस छोटी सी उंगली को ध्यान से देखें तो पता चलेगा ये हमारे जीवन से जुड़ी कितनी महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी रखती है। आज हम ऐसी ही कुछ जानकारियों से आपको रूबरू करा रहे हैं। छोटी उंगली के नीचे वाले भाग को बुध पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगर आपकी हथेली में छोटी उंगली के नीचे का ये हिस्सा यानी बुध पर्वत पूरा विकसित हो और साथ ही बुध रेखा सीधी पतली गहरी और लालिमा लिए हुए हो तो हाथ में भद्र योग बनता है। इसका मतलब है जिस किसी भी व्यक्ति के हाथ में ये योग होता है वो भीड़ से अलग अपनी एक पहचान बनाता है और जीवन में आगे तक जाता है। ऐसे लोग दिमाग से बहुत तेज होते हैं और अपनी समझदारी के चलते हर काम को आसानी से कर लेते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 13 अप्रैल को वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। अष्टमी तिथि आज देर रात 1:34 तक रहेगी, उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी। नौमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठह ठह एही एही रुद्र आज्ञापयति स्वः। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज 2 मुट्ठी गेहूं का आटा और गुड़ दान करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।